हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रही है आपके लिए, ठीक है, जो कि डिफरेंस होगा आपका किसके बीच में, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के बारे में, ठीक है ना। आपके 12th क्लास वालों के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और 11th वालों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं आज, यानी 12 तारीख है सर, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है शायद, है ना। चलो डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर लेते हैं और चेन स्टोर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या, मैंने 5 डिफरेंस आपके सामने लिखे हैं, 5 डिफरेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं और अभी मैं 3-4 हो सके तो और लिख दूंगा ताकि काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाए। और अगर इसके बारे में पेपर में आता है कि चेन स्टोर होता क्या, उसके फीचर्स क्या है, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है उसके फीचर्स क्या है, या फिर ये बोल सकता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से पॉइंट कवर कर लेते हैं, बहुत आसान से पॉइंट्स हैं इनके ऊपर। चलो तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बेसिस की। बेसिस में सबसे पहला हमारा है डेफिनेशन, यानी हम डेफिनेशन अगर देखें तो उसने बोला डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल स्टोर होता है, यानी ये बहुत बड़े लेवल का एक रिटेल स्टोर है। रिटेल मतलब कि जैसे आपके दुकान पीछे दुकान वाले होते हैं, ठीक है, आपने देखा गली वली में दुकान वाले होते हैं, ठीक है, वो रिटेल शॉप होती है, तो ये बड़े लेवल की रिटेल शॉप है, ठीक है। हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसके पास क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, और जो गुड्स होगा ना हर सेक्शन में अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है, अंडर अ सेम रूफ। आपने मूवीज में देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है, एक बहुत बड़ी दुकान है, ठीक है ना, अब वो एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, जो भी वो करें वो उनके ऊपर आता है, ठीक है। तो ये आपकी दुकान है और उसको क्या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्या गया, जैसे मान के चलो आप गए, आपने बकेट लिया अपनी, जो भी आपको लिया आपने, ठीक है ना, अब उसके बाद आप गए पहले सेक्शन में, तो वहाँ मान लो निर्मा एंड ऑल से रिलेटेड, सोप एंड ऑल से रिलेटेड सामान होगा, सारा सिर्फ वही सामान मिलेगा। फिर दूसरे वाले में जाते हो तो वहाँ मान लो डॉग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, किससे, डॉग्स एंड जो आपके जो पैट एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें। तीसरे सेक्शन में गए, मान लो वहाँ पे कुछ खाने पीने का इस टाइप का आइटम्स है, मतलब कुछ प्रोटीन एंड ऑल का आइटम है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि आपने देखा होगा कहीं पर मूवीज़ में भी आप देख चुके हो, आसपास भी अगर साथ आपने देखा हो कि एक ही बहुत बड़ा सा मतलब रिटेल शॉप टाइप की होती है, ठीक है, जिसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं, उसमें अलग अलग सेक्शन बने होते हैं और हर सेक्शन में अलग टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे नूडल्स है तो नूडल्स अलग अलग टाइप के नूडल्स लगे होंगे उस वाले पूरी जगह पे, ठीक है, थोड़े अलग दूसरी जगह पे जाते हो तो अलग अलग टाइप की चीज़ें लगी होगी, मतलब होगी वो एक ही, मतलब एक पूरा एक ही बंदे के अंदर का वो सारा, ठीक है, बट हो क्या रहा है कि उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया गया और हर पार्ट्स में एक अलग अलग मैनेजर बैठा दिया जाता है, ठीक है, एक अलग से बंदा बैठा दिया जाता है, क्लियर है। और साथ में आपको वहाँ पे जो है ना हेल्प करने के लिए लोग भी खड़े होते हैं, मतलब जो भी उनके जो इम्प्लॉयज़ होते हैं वो हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं कि सर वो चाहिए, आपने बोला सर मुझे वो वाले सेक्शन में जाना था कहाँ होगा, वो बोलेंगे ठीक है वहाँ चले जाइए आप, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपको देखने को मिलता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, ये एक ही रूफ के नीचे होता है, एक ही रूफ के नीचे का मतलब हो गया, ठीक है, एक ही छत के नीचे होता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी दुकान लगा लो और उस दुकान को तोड़ दिया, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में तोड़ दिया, ठीक है, अभी भी वो एक ही के अंडर में है बट तोड़ दिया उसे, और क्या कर दिया गया है उसको, क्या नाम है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट रख दिए गए हैं, समझ में आ गया। तो यही लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल स्टोर, ये लार्ज स्केल रिटेल स्टोर है, हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसमें कई तरह तरह के डिपार्टमेंट्स और कई तरह के आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। बट अगर हम चेन स्टोर की बात करते हैं, चेन शॉप भी बोल सकते हो, चेन शॉप्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना, तो चेन स्टोर इज अ रिटेल शॉप, ये भी रिटेल शॉप है, जिसके जिसे ओन्ड एंड कंट्रोल, यानी जो जिसको ओन्ड मतलब किसी की जिसका बिजनेस है, ठीक है, तो उसके बाद कर रहा है जिसके जिसने ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, और लोकेटेड इन, ये जो लोकेट होता है ये होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, ये आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। यानी मान लो अगर एक ही शहर है तो एक शहर में भी कई सारी दुकानें मिल जाएगी, जैसे बाटा की शॉप हो गई, रिबॉक आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपनी शॉप्स अलग अलग जगह बंद, मतलब एक ही जैसे शहर है, मतलब दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में कई कई जगहों पे आपको रिबॉक के वो मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगी, है ना, जो किस में डील करेंगे, सिर्फ रिबॉक में डील करेंगे, किसी दूसरे प्रोडक्ट में डील नहीं करेंगे। तो उसने देखो क्या बोला, डिपार्टमेंट स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर सेम रूफ। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, चेन स्टोर की अगर हम बात करें, ये भी रिटेल शॉप है बट से ओन एंड कंट्रोल कौन करेगा, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है, और ये लोकेट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, क्लियर हो गया। अगर हम लोकेशन की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो लोकेट होता है वो सेंट्रल प्लेस में होता है, वो जानबूझ के ऐसी जगह खोला जाता है जहाँ कस्टमर ज़्यादा आए, ठीक है, और ऐसे कस्टमर आए जो कि उनको उस चीज़ों को फटाफट से खरीद सकते हैं, बड़ी अमाउंट में गुड्स लेके अपने घर लेके जा सके।
तो ये सेंट्रल लोकेशन यानी एक ऐसा केंद्र बिंदु ढूंढ लिया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पैसों वाले। तो ये आपका सेंट्रल लोकेशन की बात कर रहा है, जबकि चेन स्टोर की बात कर रहे हैं ये वेरियस लिखा ना, लोकेटेड वेरियस प्लेसेस, कहीं कहीं बहुत जगह दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो लोकेटेड एट वेरियस प्लेसेस, या ये बोल सकते हो एंड, या फिर और लगा लो जो मर्जी है, वेरियस सिटीज ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के बहुत सारे शहरों में मिल जाएंगे आपको, या ये इस तरह से बोल सकते हो कि चेन स्टोर जो है वो लोकेट होता है एक ही शहर में भी, कहीं कहीं जगह मिल जाएंगे और कहीं कहीं शहरों में भी मिल जाएगा चाहे। आगे यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, क्या होती है, वांट को सेटिस्फाई करने की पावर को यूटिलिटी बोला जाता है, इच्छा को पूरा करने की शक्ति, ठीक है ना। तो यूटिलिटी की बात करें तो ये जो देखा गया ना डिपार्टमेंट स्टोर जो ओपन किया जाता है वो ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है, रिच लोगों के लिए, किसके लिए किया जाता है, रिच लोगों के लिए किया जाता है। जबकि जो चेन स्टोर की अगर हम बात करें तो ये जो स्टार्ट किया जाता है ये बोथ फॉर पुअर पीपल एंड मिडिल क्लास, तो मतलब थोड़ा रिच से नीचे वाले जो लोग हैं वो उसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब इनके लिए ओपन किया जाता है, पुअर पीपल के लिए और मिडिल क्लास के लिए। आगे बात करें वैरायटी ऑफ गुड्स की बात करें तो यार यहाँ तो भाई साहब लार्ज वैरायटी मिलेगी आपको, बोला ना एक ही अलग अलग टाइप के गुड्स ही गुड्स मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट जाते रहो भर के ना, तो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स यहाँ देखने को मिलेंगे। बट ये डील करते हैं ज़्यादातर, देखो सीधा बोल तो एक ही गुड्स में डील करते हैं, बट हद हो गई तो ज़्यादातर दो गुड्स रख लेंगे, बट अपनी कंपनी का ही रखेंगे सारा, ठीक है ना। चलो रिस्क की बात करें तो यहाँ पे हायर रिस्क रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पे लेसर रिस्क यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक रिस्क कम होता है, क्लियर हो गया। तो एक बार फटाफट से मैं इसे मिटाने वाला हूँ और पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, इससे पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिपार्टमेंट स्टोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला, लार्ज स्केल की रिटेल शॉप है जिसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, किसके लिए, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ, यानी एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ देखने वाला, ठीक है ना। उसके अलावा चेन स्टोर की बात करें तो ये भी रिटेल शॉप है, बट इसे ओन एंड कंट्रोल कौन करेगा, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन करेगी जो कि, और ये लोकेट होगा आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, यानी शहर में कहीं कहीं जगह आपको दुकान देखने को मिल जाएगा। लोकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल लोकेशन में मामला स्टार्ट किया जाता है डिपार्टमेंट स्टोर को, जहां सबसे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए आपके लिए आ जाए, ठीक है। जबकि चेन स्टोर की बात करें तो ये जो है ये शहरों में बहुत जगह आपको देखने को मिल सकता है, या ये बोलूँ तो कंट्री में भी बहुत सारे शहरों में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट देखें यूटिलिटी की, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, तो ये ज़्यादातर रिच लोगों के लिए बनाया जाता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। बट ये वाली बात करें तो ये पुअर पीपल और मिडिल क्लास के लिए बोला गया। वैरायटी ऑफ गुड्स, ये लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स को रखता अपने पास, यहाँ ये जो डील करता है ये वन या फिर दो तरह के गुड्स में डील करता है, ठीक है ना। जबकि रिस्क की बात करें तो हायर रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, लेसर रिस्क इन्वॉल्व होता है। मेरे हिसाब से तो शायद आपको पांच पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। देखो होता क्या, ज्यादा पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि क्या है, अगर आप आठ पॉइंट पढ़ लो तो पांच एटलीस्ट याद रहेंगे। वैसे तो यही पॉइंट सारे सारे आसान से थे, ठीक है, कवर अप हो गए, फटाफट से नोट डाउन भी कर लो। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से पहले मेरी बात को समझ लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इसका क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। तो आगे देखते हैं, थोड़ा लाइट का इशू हो चुका, लाइट जा चुकी है, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखो हमारे पास क्या है, इसमें मतलब कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग की बात करें, यानी अगर एक डिपार्टमेंट स्टोर को अगर आपको चलाना है तो उसकी कॉस्ट है ना बहुत आती है बच्चे, ठीक है। खुद सोचो ना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर अगर चलाओगे तो कॉस्ट तो आएगी आएगी, ठीक है ना। तो इसमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट स्टोर इज हाई, जबकि चेन स्टोर ज़्यादा बड़ा कुछ बड़ा ऐसा कुछ खास होता नहीं, सिंपल सी शॉप होती है, ठीक है ना। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग होती है वो क्या होती है, लो होती है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग मतलब चलाने की जो खर्चा होता है, यानी डिपार्टमेंट स्टोर को चलाने का खर्चा, चेन स्टोर को चलाने का खर्चा। कैपिटल की बात करें तो डिपार्टमेंट स्टोर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, इसको काफ़ी वैरायटी ऑफ गुड्स इसमें रखने पड़ते हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, ठीक है, देखा जाता जो, तो इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल लगती है वो लार्ज अमाउंट लगता है, यानी काफ़ी बड़े अमाउंट जो है कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी इसको निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है उस चीज़ में, क्लियर है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है यहाँ पे, बट यहाँ पे कैपिटल जो है ना वो कम लगता है, किसके कंपैरिजन में, डिपार्टमेंट स्टोर के कंपैरिजन में तो बहुत कम पैसा लगता है, किसमें, चेन स्टोर में, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिट फैसिलिटी की, तो ये क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है किसको, रिपीटेड कस्टमर्स को दे सकता है, यानी अगर इसको लगता है कस्टमर ठीक ठाक है तो बड़े प्यार से ये क्रेडिट फैसिलिटी दे सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो गुड्स है ना, ये गुड्स है ना, ये कैश में भी बेच लेता है और क्रेडिट मतलब उधार में भी बेच लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुड्स कैश में बेच सकता है और क्रेडिट में बेचता है, ठीक है ना। और क्रेडिट उनको देगा जो उसके रेप्यूटेड कस्टमर होंगे, ठीक ठाक कस्टमर होंगे, तो क्रेडिट में दे देगा, ठीक है ना। जबकि ये सेल करता सिर्फ कैश बेसिस में, यानी यहाँ पे क्रेडिट का कोई पंगा है ही नहीं, सिर्फ कैश में देना पड़ेगा, क्लियर है। तो आठ पॉइंट मैंने कवर करा दिए, एक पॉइंट मैं वैसे ही बताया था। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो डिपार्टमेंट स्टोर बिल्कुल अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है,
आपको क्या नाम है ये टॉयलेट यूज़ करना है तो आप डिपार्टमेंट स्टोर में ये यूज़ कर सकते हो। रेस्टोरेंट की तरह आपको फैसिलिटी देगा खाने पीने की, आप बैठ के खा पी सकते हो, ठीक है, इस टाइप की फैसिलिटी ये दे देगा। अगर आपको क्या है पोस्ट एंड ऑल करनी है या होम डिलीवरी समथिंग कुछ करवानी है तो ये कर देगा, डिपार्टमेंट स्टोर कर लेता है एक टाइम को, ठीक है ना। बट चेन स्टोर ऐसा कुछ नहीं करने वाला, सिंपल से दुकान है, जाओ खरीदो और बाहर निकलो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा। तो ये आपको अदर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये करेगा आपको टॉयलेट की सुविधा आपको दे सकता है, आपको रेस्टोरेंट की सुविधा दे सकता है, आपको पोस्ट, ठीक है, एंड टेलीफोन एंड ऑल जो भी करना वो भी दे सकता है, होम डिलीवरी एंड ऑल जिसको जो बोलते हैं सब कुछ ये आपको दे देगा। क्लियर हो गया ना। तो इस टाइप का पॉइंट आप यहां पे बोल सकते हो। और अगर बोलना तो ये बोल सकते हो डिपार्टमेंट स्टोर की जो डेकोरेशन होती है ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग हो सकती है। डिपार्टमेंट स्टोर की जो डेकोरेशन होती है, सजावट होती है, ठीक है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकती है। अब देखो एक ही है तो एक ही रूफ के नीचे, बट वहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो अलग अलग डेकोरेट हो सकते हैं, बट यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग यही एक जैसे ही होते हैं। रीबॉक अपनी सारी दुकानें लगभग एक जैसी रखेगा, ठीक है, बहुत रेयर ही थोड़ा चेंजेस होते हैं, लगभग सिमिलर ही होते हैं एग्जैक्टली देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ डेकोरेशन एक जैसा मिलेगा, यहाँ डिपार्टमेंट तक का अपनी जो डेकोरेशन है वो अलग अलग होता है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग डेकोरेट हो सकता है, हो जाता है। क्लियर हो गया। तो थोड़े से पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स मैंने कराए, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिए आपको, ठीक है ना। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।